जय श्री कृष्णा। मानपुरा रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नारियल और गुड़ की बर्फ़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है और इसे बनाना बहुत आसान है। मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी, बहुत ही सॉफ्ट और एकदम डिलीशियस बनके तैयार होगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है एक बॉल में नारियल का बुरादा, जिसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। इसका कलर चेंज नहीं करना है, हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है। आप कटोरी, ग्लास या किसी भी बॉल से इसका नाप ले सकते हैं। हमें इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, ना ही इसका कलर चेंज करना है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ गुड़। मैंने यहाँ पर ग्रेटेड गुड़ लिया है, जो कि है आधी कटोरी से थोड़ा कम। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी गुड़ ले सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स करना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबलस्पून दूध। मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ, ये मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून दूध लिया है। बहुत अच्छी बनने वाली है ये बर्फ़ी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर घी लिया है, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 चम्मच मिल्क पाउडर, और इसको भी हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। हम इसको अच्छे से मिक्स करना है, और जैसे जैसे मिक्स हो जाएगा, ये जो मिश्रण जो है, मिक्सचर हमारा, वो इकट्ठा होता जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, ये इकट्ठा होने लगा है। तो अब हमारा जो मिश्रण है वो तैयार है, तो इसको हम एक ट्रे में निकालेंगे, ट्रे में निकाल कर इसको सेट कर देंगे। और ये मैंने इसको एक बॉक्स में निकाल लिया है, तो हम इसको अच्छे से सेट कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए इसे बाहर रख देंगे। इसके ऊपर मैंने थोड़े से पिस्ता कतरन डाल लिए हैं गार्निश के लिए, और अब हम इसको शेप दे देते हैं। आप इसे जो चाहे शेप दे सकते हैं। पहले हम इसको बराबर से काट लेते हैं, ताकि एक अच्छा शेप आ जाए। तो मैंने काट कर इसको तैयार कर लिया है, और ये हमारी बर्फ़ी जो है बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बर्फ़ी बनकर तैयार है। मैं आपको इसको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनकर तैयार है। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मिनटों में बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है, एकदम शुगर फ्री। आप जब चाहे बना सकते हैं, खा सकते हैं, खिला भी सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरीके की रेसिपीज़ के साथ, और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।